मन में बार बार वही प्रश्न हमको खा जाता है कि मैं क्या टप पर बन सकता हूं, मैं क्या 90% रख सकता हूं, मुझे करना है कुछ, मेरे जीवन में कुछ करना है, पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं एक पोर स्टूडेंट हूं, मुझे ये बोला है कि मैं नहीं कर सकता हूं, वो बोला है कि मैं नहीं कर सकता हूं, पर मैं क्या कर सकता हूं, ये प्रश्न हमको खा जाता है। तो इसका आंसर है, उत्तर है, हां कर सकते हो, हां कर सकते हो, जैसा को तैसा खींचता है। ये सीक्रेट याद करो, जैसा को तैसा खींचता है। मतलब क्या है, यदि तुम नकारात्मक सोचोगे, यदि अंदर में नकारात्मक सोचो कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो जितने भी नहीं कर सकते चीज ये दुनिया में है सब तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम सोचोगे मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो दुनिया के सब सकारात्मक चीज, कर सकते वाले चीज तुम्हारे पास आएगा और तुम कर सकते हो, तुम खींच सकते हो, ये दुनिया को खींच सकते हो। जैसे अंदर तैयार करोगे, जैसे अंदर प्रस्तुति करोगे, ऐसे ही तुम पाओगे ये दुनिया को। तो सकारात्मक ये भावना सोच लो कि मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं 90% रख सकता हूं, मैं टप्पर बन सकता हूं, ऐसे बार बार सोचो। रात को सोने से पहले सोचो और दिन में जब जागने से पहले सोचो एवं हर वक्त सोचो एवं लिख दो, जो भी कुछ करना है लिख दो, जीवन में कुछ लक्ष्य रखना है लिख दो, लक्ष्य के बिना कुछ नहीं होता है। जो लक्ष्य नहीं है, जिसका लक्ष्य नहीं है, वो बहुत दुखी है। तो लक्ष्य बनाकर रखो, और यदि लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो तब पागल बनना पड़ेगा। जैसे पागल कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, कोई क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे क्या करना है ना, मुझे पागल बनना है, और मुझे पागल बन के फोकस करना है, एक ही चीज पे फोकस करना है, क्या, मुझे 90% लाना है, मुझे टॉपर बनना है, एक ही चीज में फोकस करना है। एक एक मिनट को बचाओ, प्रत्येक मिनट को ध्यान दो और हार्ड वर्क करो। कोई भी चीज ऐसा आसानी से नहीं हो सकता। हार्ड वर्क, परिश्रम करो, प्लानिंग बनाओ, तुम कर सकते हो। तुम तुम्हारा लक्ष्य यदि बड़ा है, तुम्हारा लक्ष्य यदि टप्पर बनना है, तुम्हारा लक्ष्य यदि 90% के एबव बनना है, तो उसको लिख दो, लिख के दीवार पे चिपका दो और देखो, बार बार देखो कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे करना है, मुझे जैसे भी वो करना है आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं कि भाई कुछ कर रहा है, कि मेरा टीचर कुछ कर रहा है, किसी का नहीं देखना है, किसी का नहीं देखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मेरे लिए पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, मुझे उन्नति करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डेवलप करना है। यदि मैं खुद के लिए सोचूं तभी हो सकता है, तभी मैं सोच सकता हूं, तभी हो सकता है टप पर, तभी फोकस आ सकता है। यदि मैं पागल बनूं कि पढ़ने के लिए पागल बनूं तो फोकस 100% फोकस रहेगा। तो क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान चाहिए, ये 100% फोकस चाहिए। तो 100% फोकस करने के लिए तुमको पागल बनना है, तुमको याद करना है, तुम्हारे लक्ष्य को पूरा लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें खुद पर सोचना है कि तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। तो किसी के बारे में मत सोचो, किसी के बारे में मत सोचो, कौन क्या कहा इसको मत सुनो। तो तुमको क्या करना है, तुमको खुद की बात सुनना है। तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति है, तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम स्वयं ईश्वर हो, ईश्वर के गुण है तुम्हारे अंदर, ईश्वर के ज्ञान है तुम्हारे अंदर, तो तुम क्या नहीं कर सकते। तो ये आत्मा सर्वशक्तिमान आनंद कंद, ये सच्चिदानंद आत्मा तुम्हारे अंदर है, और ये सच्चिदानंद आत्मा का इतना शक्ति, जो कुछ सोच सकते हो वो कर सकते हो। सोच के तो दिखाओ, सोचने से ही तुम कर सकते हो, यदि बिना सोचे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये मानव शरीर एक कल्प वृक्ष है, तुम जो कल्पना करोगे, जो इच्छा करोगे वो पाओगे, 100% पाओगे, पर बार बार इच्छा करना पड़ेगा। वो इच्छा करने से ही, मन में करने से ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करेगा और आकर्षण करोगे,
करोगे, ये सकारात्मक चिंता को आकर्षण करोगे, ये भावना को आकर्षण करोगे, ये शक्तियों को आकर्षण करोगे और तुम्हारे मन लगेगा पढ़ाई में और तुम कर सकते हो, तुम टप्पर हो सकते हो, 90% अबव रख सकते हो, ये गारंटी दे के मैं कह सकता हूँ। आज से किसी का मत सुनो, अपने दिल का सुनो, अपने अंदर का वाणी सुनो, सोचो कि क्या करना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, सोचो, ये सोच के तुम पढ़ोगे, अलबत्त पढ़ोगे और पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे।